हाय गाइस, जेमिनाइन के लिए मैं आपके पर्सन के लिए रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम से कार्ड शफल करके रखे हैं, तो मुझे शफल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, पॉजिटिव लेना है, जो भी आता है आंसर वो यूनिवर्स की तरफ से आता है, जो भी इंट्यूशंस आते हैं लाइक दैट, जो कार्ड्स यहाँ पे निकलते हैं उसके ऊपर हम वैल्यू रखते हैं। तो आप भी उसमें से पॉजिटिव आउटपुट क्या निकलता है ये देखना है, ठीक है। ये लव रिलेशन आपका जो भी है, आप जिस पर्सन को चाहते हो या आपके माइंड में जो भी पर्सन है, आप उनको दिमाग में याद करके आप रीडिंग देख सकते हो। और एक बात ये है, या कार्ड्स निकले हैं, थ्री ऑफ वंड्स, योर पर्सन एनर्जी, द हेरोफेंट, ये आपकी एनर्जी है, करंट एनर्जी इन रिलेशनशिप, ओके, लव रिलेशनशिप। और एक गाइस, मेरे मुझे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करनी है, मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो, और फिर आप एनीबडी आस्क द क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आप वहाँ पे पूछ सकते हो। मे बी मैं स्टार्ट करूँगी जैसे मेरा 500 सब्सक्राइबर हो जाता है, तो मैं वहाँ से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगी और आपके लिए वो ओपन रहेगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, योर ब्लॉकेजेस ऑफ योर रिलेशनशिप, डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड आया है, दिस इज द अट्रैक्टिंग ऑफ योर लव, ओके। आप यानी क्या आप चेंजेस करके आपका रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, दिस इज द कार्ड, ओके। प्लीज कमेंट करना आपसे रेजोनेट होता है तो, और आपको क्या लगता है आप कमेंट्स कर सकते हैं। या बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या नाउ आई एम स्टार्ट क्लैरिफाई योर पर्सन माइंड, आपका जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं या उनका करियर कैसा है, यानी उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है ये रिलेशन को लेके, ओके। नाउ स्टार्ट थ्री ऑफ वॉन्ट्स, या यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द थ्री ऑफ वॉन्ट्स, थैंक यू। फाइव कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी, या नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टेस, या टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, ऑफ द डेक फोर ऑफ कप्स, ठीक है। देखिए, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज वो अभी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ मिलने के लिए मैं किसकी मदद लूँ किस नहीं। देखो, वो अकेले बैठे हैं, उनका फुलफिल है जो भी है, वो बाकी सब चीज़ों में अच्छे हैं, बट वो यहाँ पे आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं। वो जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रात रात में सोच रहे हैं, और जैसे टायर्ड फील होता है ना, थक जाता है आदमी माइंड से, ओके, नॉट फिजिकली बट इनर माइंड से वो थक जाता है, लाइक दिस यहाँ पे एनर्जी आई है, और वो बहुत फाइट कर रहे हैं, आई थिंक सो, आपको मिलने के लिए फाइट कर रहे हैं या उनके करियर में वो फाइट कर रहे हैं, बट यहाँ पे एनर्जी यही आ रही है कि वो हर चीज़ के चीज़ को वहाँ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, और उसके वजह से उनको एक थकान सी हो रही है, क्योंकि किसी की सोच कैसे रहती है, ओके, कोई क्या बोलता है उसका जवाब दो, उसको क्लैरिफाई करो, किसी और को, किसी ने और ने और दूसरा क्वेश्चन पूछा उसको क्लैरिफाई करो, तो उनकी एनर्जी, इनर एनर्जी लॉस्ट हो रही है, बहुत सारी लॉस्ट हो रही है, एंड वो चाहते हैं कि आपसे मिले, ओके, वो चाहते हैं कि आपसे मिले, कुछ बात हो, बट उनको जरिया नहीं मिल रहा है आप तक आने का, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, और उसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है। बट वो पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव नहीं सोच रहे, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे कि आप उनके लाइफ में आ जाए तो मैं उनका और अच्छा जीवन हो जाएगा, या आप दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी तो हम आगे का जीवन बहुत अच्छे से गुजारेंगे, ओके। और यहाँ पे वो रेडी है कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डिफ़िकल्टीज आपके लाइफ में आती है तो वो सॉल्व करने के लिए रेडी है,
बट उनको फर्स्ट थिंग कि उनको यही पहली बात ये हो रही है कि उनके दिल में क्या है, वो ऑब्सेस खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं आपसे, ठीक है, यानी बात नहीं कर पा रहे, और वो उसके लिए वो ठीक से डायरेक्शन भी नहीं ले पा रहे, उसके वजह से आपसे दिल की बात नहीं कह पा रहे, तो उसके वजह से वो डायरेक्शन नहीं ले पा रहे। वो चाहते हैं आपसे खुश रहे हर चीज़, ठीक है, द सन का कार्ड निकला है, दैट मीन्स यस, वो आपसे प्यार करते हैं और आपके आपके पास आने के लिए रेडी है, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, तो गाइज, और ये देखिए वो प्लान बनाते हुए देख रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं हर चीज़ को, वो बैलेंस करते करते आपके पास आना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके आपके पर्सन का यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई किया है। आप अभी आपका देखेंगे तो हेरोपेंट का कार्ड आपके लिए आया था, आपकी एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे तो आपके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल वे के तरफ आपकी दिशा दिख रही है, बट राइट नाउ यहाँ पे हम रिलेशनशिप के लिए देखते हैं, आपके मैरिज या लव रिलेशनशिप जो भी है। ओके, द हेरोपेंट, प्लीज प्लीज क्लैरिफाई द हेरोपेंट, थैंक यू यूनिवर्स। या आप मेडिटेशन करते हैं, और मैंने कहा ना आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, सेम एनर्जी निकली है द हेरोफेंट की। ओके, आप दिल से बहुत शांत हो, बहुत ही शांत हो चुके हो, ठीक है, आप या आप भी डिप्रेशन में हो, ठीक है, आपको आप भी ये साइकिल से निकल रहे हो, ठीक है, या आप भी प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हो, फ्यूचर का प्लान, फ्यूचर के लिए ग्रोथ, और फ्यूचर आपका कैसे रहे, यहाँ पे आपकी एनर्जी पिक हुई है, और आप भी रिलेशन को, उस रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हो, पर आपका यहाँ पे कहना है कि थोड़ा सा सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, हरा भरा हो जाए थोड़ा सा, जो आप थोड़ा डिप्रेशन में, आई डोंट नो व्हाई यू आर इन डिप्रेशन, बट यहाँ पे फीलिंग्स यही आ रही है कि आप भी शायद उनके लिए ही वही बातें सोच के आप यहाँ पे मुझे डिप्रेशन में दिख रहे हो। आपको एक तो मैंने कहा ना स्पिरिचुअल यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में है, वो आप पहले सॉल्व करना चाहते हैं, इनर वर्क कर रहे हो, बट इट्स गुड, आप निकल पड़ोगे, ठीक है, आपकी आप उनके लिए रेडी हो आगे चल के, ठीक है, अभी आप थोड़ा सा डिप्रेशन होने की वजह से उनका कम्युनिकेशन, या मैंने कहा ना उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, वो वेट कर रहे हैं आपका बात करने के लिए, बट आप थोड़ा सा मुरझा हुए हैं, तो इसलिए आप थोड़ा टाइम ले रहे हो, ठीक है, आपके तरफ से थोड़ा सा लेट हो रहा है। द मैजिशियन, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊँ, या कुछ ये जो पीछे का जो बैक, आई थिंक पास को लेके आप कहीं पे तो वह हर्ट हुए हैं, और आप भगवान से प्रेयर यही कर रहे हो कि ये डिप्रेशन, ये पास्ट, मेरी पास्ट एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो जाए, कुछ तो भी मिरेकल हो जाए, और जिसके वजह से मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, आप भी उनको चाहते हैं, ऐसा नहीं है, जो आपके माइंड में पर्सन है उनके लिए चाहते हैं आप। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, या मैंने कहा ना आपको, आप अकेले गिर चुके हो, आपके दिल से आप बहुत अकेले हो यहाँ पे, और यहाँ पे हर चीज़ को, हर पास्ट को आप वन बाय वन भुलाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे यही एनर्जी पीक हो रही है, और आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, आप वही सोच रहे हो कि मैं कब एनर्जेटिक हो जाऊँ, इसमें से कब निकलूँ, और कब मेरी ग्रोथ हो, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। या बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप यही सोच रहे हैं, बस ये एक जो पास्ट एनर्जी जो आपको खींच रही है, पीछे खींच रही है, आपको बैक स्टेप लेने के लिए कह रही है, उससे आपको फाइट हो रही है, ठीक है, यानी फ्यूचर और पास्ट, इस चीज में आपकी प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है, ठीक है, पास्ट आपको कह रहा है कि पीछे, और आपका दिल, आपके इंट्यूशंस कह रहे हैं कि आगे बढ़ो,
लाइक दैट. ये यहाँ पे एनर्जी आपको मुझे यहाँ पे खींचती हुई दिख रही है इसके वजह से. बट आप रेडी हो, जो भी ये पर्सन है आपके माइंड में, उनके साथ में आप फ्यूचर बनाना चाहते हो. ये आपके दिल की बात है. ओके, ये आपके दिल की बात है कि आप उनके साथ में लाइफ बनाना चाहते हो. बट फर्स्ट आपको ऐसा लगता है कि मेरा पहले पास्ट क्लियर हो जाए. मैं यानी आपका कहना है कि जैसे मैं नई दुनिया स्टार्ट करूँ तो डेफिनेटली मेरा पास्ट कुछ मेरे साथ में ना आए, मेरी कोई भी पीछे की बातें मुझे याद ना आए. ओके, और यानी फिर मैं जब नई दुनिया स्टार्ट करूँ, नए पर्सन को अपने लाइफ में लाऊँ, तो फिर जैसे उनके साथ में अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाऊँ, उनको ही मैं उनकी बातों को मैं वैल्यू दे पाऊँ, उनको वैल्यू दे पाऊँ. इट्स अ गुड थिंग. ये बहुत ही सुंदर है आपका दिस, वो कुछ बुरा नहीं है. ओके, तो यहाँ पे आई थिंक्स यहाँ पे 2 months ये ले सकती है आपकी एनर्जी, या 2 weeks तो भी बोलो. आई डों आप क्योंकि एंड तक होते आए हो, आपके बहुत ही ज़्यादा पीछे की पास्ट की एनर्जी आपने बहुत सही है. शायद यहाँ पे 4 months बैक से आप शायद इसमें हो. ओके, मे बी आपकी अवेकनिंग भी हो रही होगी, या मैंने कहा ना आप स्पिरिचुअल में भी जा सकते हो. पर आप जो करियर के तरफ भी देखना चाहते हो, आपकी ग्रोथ भी चाहते हो, इट्स अ गुड सॉरी, आप फ्रेंड्स भी बनाना चाहते हो सब भी, क्योंकि अभी आप अलोन हो. ठीक है, आप अकेले हो तो आपके बहुत सारी अच्छी अच्छी प्लानिंग है, और डेफिनेटली आप वो पर्सन को लाइक करते हो. ठीक है, आप लाइक करते हो, बस उनसे बात करने की देरी है ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और वो भी पर्सन आपका वेट कर रहा है. ओके, सो गाइज हम आपके ब्लॉकेजेस देखेंगे. ठीक है, कि आपके रिलेशन में क्या ब्लॉकेजेस है जिससे आप यहाँ से निकल पाओ. ठीक है, आप कुछ रास्ता ढूंढ पाओ. ठीक है, आपको शायद यहाँ पे कुछ, मैंने कहा ना उनको जैसे कोई मीडिएटर या कोई मिल नहीं रहा, वैसे भी आपने थोड़ी सी आपकी एनर्जी आपने थोड़ा ब्लॉक करके रखा है, एनर्जी से ब्लॉक किया है. ठीक है, ना कि आप ऐसा चाहते नहीं हो कि वो आपके जीवन में ना आए, या ये ऐसी बात नहीं है. बस आप थोड़ा सा टाइम चाहते हो कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, फ्रेश मूड रहूँ. आप एग्जैक्टली बराबर है ये कि हम कहीं पे किसी के घर पे जाए तो हम डल मूड लेके वहाँ पे नहीं जाएंगे. जाएंगे तो थोड़ा सा एनर्जेटिक जाएंगे कि नहीं उनसे बात हो पाए, उनकी बात हम समझ पाए. हम खुद ही टेंशन में और दूसरा कुछ बात कर रहे हैं, हम नहीं ग्रास्प कर पाते वो. इट्स अ फैक्ट. ठीक है, राइट नाउ हम यहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस देख रहे हैं. 5 of Pentacles, या इनर स्ट्रेंथ की आप दोनों को जरूरत है. 4 of Pentacles, आप दोनों स्टेबल भी होना चाहते हैं इन द करियर. ओके, टेम्परेंस का कार्ड, या दोनों भी आप ऐसे चाहते हो कि आपका थोड़ा स्टेबल हो जाओ, वो भी आपका खुद का स्टेबल हो जाए. ऐसा करियर में भी है, दिल से भी है. ठीक है, वो भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आप भी कर रहे हो, दोनों के पास में कुछ हो चुका है, ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी हो रही है. आपका तो मैंने बता दिया, मे बी उनका भी कुछ पास में हो सकता है, जिसके वजह से वो भी उस पास की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, और वो भी खुद को दिल से एक स्टेबल बनाना चाहते हैं. ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है. या पेज ऑफ सॉर्ड्स, या आप दोनों में कमी है एक एक स्टेप लेने की. आप दोनों भी एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हो तो यहाँ पे रिलेशन बन जाता है. आपको खुशियाँ लानी है आपके रिलेशन में, जो आप स्टेप लेने के बाद कर सकते हो. ठीक है, ना कि आपकी दोनों की पास्ट की बातें आपको ध्यान रखना है. ठीक है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इसके तरफ आप दोनों को ध्यान नहीं देना है. बिकॉज दोनों पहले से ही डिप्रेशन में हो. ठीक है, तो दोनों को भी यहाँ पे नहीं बातें नहीं सुनना है. आप लोग शायद लोगों की बातें सुन रहे हो, नहीं अभी क्या होगा, ये टाइम में क्या होगा, ये हो गया पास्ट में, ऐसा हो गया, आप क्या करोगे आगे, लाइक दिस जो भी पिंग मारता है ना,
पिंक फालतू की, तो उनके तरफ ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है? या थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहने की आपको जरूरत है, यहाँ पे एनर्जी आई है डेफिनेटली। कोई, मैंने कहा ना, लोगों का सुनना नहीं है, थर्ड पर्सन जो भी है, या आपका यहाँ पे थर्ड पर्सन यानी देखो करियर भी हो सकता है, मैंने ये कहा स्टेबिलिटी भी है आपके इसमें, जब तक वो आप दोनों के इसमें बीच में ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, तब तक आप दोनों साथ में नहीं बैठ सकते, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। तो वो चीज़ें आप जल्द से जल्द ख़त्म करो, या थोड़ा सा आप दोनों को पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे पॉजिटिव हम ग्रोथ के तरफ जा रहे हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट द कम्युनिकेशन विद देम, या गुड। आपको फिर फ्यूचर का प्लान बनाना ही है, जब मिलोगे तब, वो आप बना ही नहीं रहे हो, माइंड में ले ही नहीं रहे हो कि मेरा फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, शायद आप स्टक हो पास्ट के एनर्जी में ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। यानी ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर सोच रहे हो पर इतना नहीं सोच रहे हो जितना कि पास्ट आप लेके बैठे हो, तो यहाँ पे ये एनर्जी है एस ऑफ कप्स, या दोनों में प्यार है बट रुक सा गया है, ठीक है, तो आपको उसको एनर्जेटिक बनाना है और लाइफ में अच्छा करना है आपको, आपका रिलेशन अच्छे से मेंटेन करना हो तो। ओके गाइस, नाउ आई एम स्टार्ट द डेट एंड रिवर्स, ठीक है, ये जो कार्ड आया है अट्रैक्टिंग, ठीक है, आप आपके रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हो, ठीक है। डेथ एंड रिबर्थ, प्लीज क्लैरिफाई द डेथ एंड रिबर्थ, या आपको एनर्जेटिक रहना है, फ्रेश रहना है, मैंने पहले ही बोला है, और आप आपको अकेला रहना छोड़ देना है, बस दिल की बात सुनो, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। ओके, फ्रेश रहो, फ्रेंड के साथ मिलो, घुलो, एनर्जी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे बहुत ही फ्रेश एनवायरनमेंट हो, ठीक है, यहाँ ऐसे ऐसी जगह मत जाओ जहाँ पे डिप्रेशन की एनर्जी हो, ऑलरेडी आप टेंशन में हो और वहाँ पे जाके मतलब नहीं है, ठीक है, आप दोनों को भी ये ज़रूरत है, या आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, या आपके मनी को, आपके करियर को आपको यहाँ पे बैलेंस करना है, ओके, ग्रोथ करनी है खुद की, ठीक है, डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना है, जो गया वो गया, आपके पास में और जिंदगी बाकी है, ठीक है, वो जिंदगी की तरफ आपको देखना है यहाँ पे, तो भी आप इस चीज को, वाव, द एम्प्रेस इज द टू मच पॉजिटिव कार्ड, ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है, आपके रिलेशन में ग्रोथ होगी, डेफिनेटली ग्रोथ होगी, ठीक है, बी पॉजिटिव, आपको ही मैंने जो कहा वो स्टेप्स आपको लेने हैं, और आप नेचर में घूमने के लिए जा सकते हो, कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हो, और आपको आपके लक्ष्य पर, करियर हो, आपकी ग्रोथ हो, आपका आपका इनर स्ट्रेंथ हो, आपका जो भी है उसके ऊपर फोकस कीजिए, फ्यूचर के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है, फ्यूचर में आपको क्या करना है, स्टडी करना है, अभी आपको किस चीज़ में ग्रोथ करनी है, आपको क्या सीखना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, ये आप फ्यूचर की तरफ देखो और फ्यूचर बेहतर बनाओ, ओके, या नाइस नाइस रीडिंग यहाँ पे, बहुत ही अच्छी है, आपका हो जाएगा, या बी पॉजिटिव, यहाँ पे आप डेफिनेटली डेफिनेटली आपके पास को भूलने वाले हो, और जब वो जैसे ही भूल जाओगे, स्टार्ट अ न्यू जर्नी, ठीक है, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और आप आपको क्रिएटिविटी, आपके दिमाग में क्रिएटिविटी लाना है, ठीक है, आपको मैंने कहा ना, आपको क्या करना है, क्या बनना है, क्या चाहिए मुझे आगे बढ़ने के लिए, मुझे अभी मुझ में क्या कमी है तो मैं इसको इम्प्रूव करूँ, ये टाइम आपका है, ठीक है, ये टाइम आपका है, आपको शायद डिवाइन ने ये टाइम दिया है आपको खुद सेल्फ कुछ बनने के लिए, तो आपको बनना है, और फिर ये रिलेशन देखो एक मिरेकल हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास में आएंगे और आप उनसे कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है, थोड़ा डेयर करना है। राइट नाउ आई एम नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, फाइनल आउटपुट, फाइनल क्या आपके रिलेशन में निकलता है, या नाइट ऑफ
पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. थैंक यू, थैंक यू. बॉटम ऑफ द डेक, नाइन ऑफ कॉइंस. या यस, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ना आपको, आपको विजडम चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ऐसा कुछ तो भी आपको यहाँ पे चाहिए. आपको थोड़ा सा डेयर करना है. यहाँ पे गाइडलाइन ये आ रही है कि आपको यहाँ पे डेयर करना है, आपको फोकस करना है आपके ग्रोथ के ऊपर, करियर के ऊपर, ठीक है. और जिनसे आप रिलेशन बनाना चाहते हैं, जिन जो आपके दिल में है, उनके तरफ भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. आप खुश रहोगे और खुश होके ही आगे बढ़ना है, ठीक है. देखो आप यहाँ पे यही है कि आप जैसे ही सब कुछ आप मैंने कहा ना पहले पास्ट का भूल जाते हो, तो आप पूरा आपके करियर के तरफ, आपके ग्रोथ के तरफ, आप इस रिलेशन के तरफ बढ़ते दिख रहे हो, ठीक है. और या आप जो ये देखो जो वाइट है ना, वाइट यानी वहाँ पे बर्ड्स दिख रहे हैं, तो ये वही दिशा दिखा रहे हैं कि आपको जैसे ही मन की शांति सब कुछ ठीक हो जाता है और आप जैसे ही धीरे 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 आप आगे बढ़ने लगते हो, आपको आप एक बहुत अच्छा डिसीजन लोगे यहाँ पे, और उस डार्क गुफा जो है उसमें से बाहर निकल जाओगे. तो यहाँ पे गाइडलाइन ये नाइन ऑफ कॉइंस यही पॉजिटिव कार्ड है. यहाँ पे ऐसा ही है कि आपका रिलेशन दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग होते दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप कम्युनिकेशन, खुशी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है. या ये लव बर्ड्स है यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है. तो आप उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हो और करोगे. द लवर्स का भी कार्ड है, या डेफिनेटली, ठीक है. आपका शायद दोनों अपोजिट हो सकता है करियर पाथ, ओके. दिल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, करियर पाथ की कर रही हूँ. वो कुछ अलग फील्ड में होंगे या आप अलग फील्ड में होंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा पैचअप करने के लिए, बट इट्स डेफिनेटली हो जाएगा, ओके. 5 or 6 months में आप आगे बढ़ोगे, जो भी है 5 weeks में भी बोल सकते हैं, 5-6 weeks में. आपके दिल की आप कितना जल्दी कैच, आपके पास को कितना जल्दी आप लेट गो कर देते हो, और अपने करियर को कितना मूव ऑन करते हो, अपने रिलेशनशिप को कितना मूव ऑन करते हो, इसके ऊपर वो डिपेंड है, ठीक है. क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है. क्वीन ऑफ कप्स दैट मीन्स या आप लोगों को अच्छा बताना चाहते हो, और आपका एक क्या रहता है, एक ऐसा कपल रहेगा कि सब देखते रह जाएंगे कि वाओ कितना अच्छा बॉन्डिंग है आप दोनों में, ठीक है. तो गाइज आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी. जो भी आपसे रेजोनेट होती है वो पॉजिटिवली लो, और जो भी ब्लॉकेजेस है उसको ओवरकम करो, वो निकाल दो आपके लाइफ से, और आपकी दुनिया, आपका जीवन, आपका दिल सबको अच्छा बनाओ, ओके. नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.